Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान नंबर छः में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज हम सभी बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में जिसको हम कहते हैं भर्ती देखते हैं आज हम क्या चीज़ें चर्चा के विषय में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्यों की क्या ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलने वाले हैं इस व्याख्यान को समझने के बाद उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन के परिचय की चयन की प्रक्रिया क्या है चयन निर्णय परिणाम कैसे हम निकालते हैं उसके बाद आखिर में चयन करने के बाद प्लेसमेंट अभिन्यास या समाजीकरण शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य से इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे उसको जानकारी करते हैं यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन सेलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस चयन और चयन की प्रक्रिया क्या है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आज के व्याख्यान के बाद इसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि चन प्रक्रिया को समझें ताकि इसके प्रभाव को बनाया जा सके आपको बताया जाएगा कि कैसे फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है किस तरह से किसी कैंडिडेट को भर्ती किया जाता है किसी भी संस्थान में वो आप जान पाएंगे आप जान पाएंगे कि कैसे सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है चयन निर्णय के परिणामों को इंगित कैसे किया जाता है साथ ही आप जान पाएंगे प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बारे में समराइज फॉर्म में आप समझ पाएंगे कि सिलेक्शन के बाद आखिरकार संस्थान क्या करती हैं क्या फर्दर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और आखिर में आप जान पाएंगे कि कैसे एक अच्छा हम डिसीजन प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चयन से चयन का परिचय क्या है जैसा कि आप नाम समझ पा रहे हैं सिलेक्शन और पिछले व्याख्यान में हमने बात करी थी रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम पूल ऑफ एप्लीकेशंस को इकट्ठा करते हैं हम बताते हैं हमारी संस्थान में किस तरीके के जॉब वैकेंसीज़ हैं जो हम लोगों तक प्रचार कराते हैं चाहे वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू कराते हों या फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू कराते हैं उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसी भी संस्थान के लिए एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन सभी को हम भर्ती नहीं कर सकते उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ कर्मचारी होगा या कैंडिडेट होगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज रादर हमें कहना चाहिए उसको हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबसे बेहतर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करना तो बात करते हैं सिलेक्शन की ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को चूज करते हैं बाय ऑप्टेनिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी एप्प्लीकेंट्स विद दी व्यू टू मैच दीज विद दी जॉब रिक्वायरमेंट सो सेलेक्शन का जो मेन कार्य है वो यही है कि जिस प्रकार की नौकरियाँ हमारे पास हैं जो हमने जॉब एनालिसिस की थी जिसके बेसिस में हमने नौकरियों का विश्लेषण जो किया था और जॉब डिस्क्रिप्शन हमने तैयार किया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करना है जो हमारे यहाँ पर उसमें फिट हो सके जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को हम हर समय ध्यान में रखते हैं सिलेक्शन के समय इसके अलावा सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बहुत ध्यान से हमें करना होता है इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी वजह से अगर हमने गलत कैंडिडेट को चूज़ कर लिया तो उसका सारा खामियाजा संस्थान को ही भुगतना होगा तो बहुत ध्यान से उसको स्क्रीन करते हैं उसमें टेस्टिंग करते हैं ताकि हम उसी तरीके के कैंडिडेट को ला पाए जिस तरीके कैंडिडेट की हम अपेक्षा रख रहे हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट हमें लगता है आउट ऑफ दी एप्लीकेशन जो हमने रिसीव की हैं तो यह सभी आवेदकों में से सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनने की एक प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक जो मानव संसाधन विकास है वो करता है उसकी जिम्मेदारी है ताकि वो सही व्यक्ति को संगठन में ला सके इसके अलावा जब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की अलग अलग लोग जो सिलेक्शन को अपने अपने तरीके से जो डिफाइन करते हैं उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेलर याडर की डेलर याडर कहते हैं चयन वह प्रक्रिया है जिसमें रोज़गार के लिए उम्मीदवारों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है वह जिन्हें रोज़गार दिया जाना है और वह जिन्हें रोज़गार नहीं दिया जाना तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं पूल ऑफ कैंडिडेट्स की उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दो पार्ट दो विभाग में उनको हम करते हैं वो लोग जिन्हें हम नौकरी देना चाहते हैं वो लोग जिन्हें हम नौकरी नहीं दे पाएंगे शायद उनकी जो स्किल्स हैं क्वालिफिकेशंस हैं नॉलेज है वो उससे मीट आउट नहीं करती वैसे प्रोसेस को हम कई कई हद तक नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाह रहे थे कि वो हमारे संस्थान में जो भी वैकेंसीज हैं उसके लिए वो अप्लाई करें लेकिन यहाँ पर हम धीरे धीरे करके उन लोगों को हटाते चलते हैं जो हमें लगता है कि हमारे कार्य को सही तरीके से करने लायक नहीं है उतनी उनके अंदर नॉलेज स्किल्स नहीं है कि उस पर वो सही से सूट कर पाएंगे दूसरी जो डेफिनेशन है वो थॉमस स्टोन ने दी है थॉमस स्टोन के अनुसार चयन किसी नौकरी में सफलता की अधिक संभावना वाले लोगों का पहचान करने के लिए आवेदकों के बीच अंतर करने की एक प्रक्रिया है तो ये वैसी प्रक्रिया है जिसमें आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो आपको लगता है बेस्ट फिट हो सकता है आपके संगठन में उस कार्य को पूरा करने के लिए तो ग्रेटर लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस जिसका होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अमंग्स दी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है आगे बढ़ते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर क्या है अमूना तौर पे लोग समझते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही बात है ऐसा नहीं है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग अलग प्रक्रिया हैं जो संगठन में ली जाती हैं करी जाती हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो रिक्रूटमेंट जो है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को कर्मचारियों को सर्च करते हैं हम उनकी खोज करते हैं कि कहाँ से हम ऐसे कैंडिडेट्स लाएं, जो हमारी संगठन में जो भी वैकेंसी हैं जो भी रिक्तियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए बेस्ट से बेस्ट लोग हमारे यहाँ पर अप्लाई करें क्योंकि जितना ज़्यादा पूल ऑफ एप्लीकेशन आपके पास होएगा उतना ही आपके पास सिलेक्शन के लिए बेहतर आपके पास बेहतर जरिया होगा क्योंकि आपके पास अगर दो या तीन लोग ही अप्लाई कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए तो आपको उन या दो तीन लोगों में से ही सिलेक्शन करना होगा आपके पास ज़्यादा वेराइटी और बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होंगी लेकिन रिक्रूटमेंट हमारे सिलेक्शन को कैसे बेहतर बनाता है जैसे कि वो लोगों तक बताता है कि आपके यहाँ क्या रिक्तियाँ हैं और बढ़िया तरीके से लोगों को प्रचार हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अप्लाई कर सकें जबकि सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं सिलेक्शन वो प्रक्रिया है जिसको कि मैंने आपको बताया है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर हम उन एप्लीकेशंस को धीरे 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 करके कम करते चले जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास इन सारी एप्लीकेशन में से जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको हम चयन कर लें तो आगे इनको दोनों के अंतर को बहुत और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं चलिए जिसमें हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के साथ साथ सिलेक्शन की तो अगर हम मीनिंग के बेसिस पे इसकी बात करें इसकी परिभाषा के बेसिस पे समझें तो रिक्रूटमेंट का ऐसा प्रक्रिया है जो लोगों को स्ट्यूमुलेट करता है लोगों को कहीं ना कहीं ये लोगों को स्ट्यूमुलेट करता है कि वो उस वैकेंसी के लिए उस उस रिक्ति के लिए अप्लाई करें जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते तो इस तरीके से प्रचार करना है लोगों तक पहुंचना है ताकि उस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर सकें जबकि सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसमें से हम क्या करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने भी हमारे यहाँ पर उस रिक्तियों के लिए अप्लाई किया है दोनों की ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक पूल इकट्ठा कर सके ऐसा वैरायटी ला सके ताकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों उनमें से सिलेक्शन के जबकि सिलेक्शन का अगर हम उद्देश्य देखें तो सिलेक्शन का उद्देश्य यही है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट को अपने यहाँ पर चूज करना है बेस्ट कैंडिडेट जो उस जॉब से फिट हो सके उसको वहाँ पर लाना है नेचर जो है वो आपका इस प्रकार से है कि आप रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला रहे हैं जबकि सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं धीरे धीरे उन एप्लीकेशंस को कम करते चलते हैं रिड्यूस करते चलते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य है उनमें से सबसे बेहतर कर्मचारी को या कैंडिडेट को चूज़ करना सीक्वेंस की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो सिलेक्शन से पहले होगा क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन जब होंगी जब उस नौकरी के लिए उस रिक्ति के लिए जब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं उसमें से ही हम सिलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो सीक्वेंस की बात करने पर रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है वो पहले होगी और सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो रिक्रूटमेंट के बाद होती है तो ये कुछ अंतर है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जो आमून तौर पे लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों ही चीजें अलग अलग एक ही हैं अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन जो आप सिलेक्शन करने की जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितने लोग हैं जिन्होंने उस रिक्तियों के लिए अप्लाई किया है उसी के हिसाब से आप सिलेक्शन प्रोसेस को चूज़ करेंगे मान लीजिए दो या तीन लोगों ने ही अगर किसी रिक्ति के लिए अप्लाई किया है तो आप बहुत ज़्यादा लंबा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं और उन सभी का आप इंटरव्यू लेते हैं या रिटर्न टेस्ट जो भी आपके संगठन का एक तरीका है सिलेक्शन करने का और उसके हिसाब से आप आगे सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंड करता है बहुत सारे आस्पेक्ट्स पे बेसिकली सबसे पहला आस्पेक्ट हमें यह देखना है कि चयन प्रक्रिया चयन के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करती है जो हमारे उम्मीदवार हैं जो 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 उन रिक्तियों के लिए अप्लाई की है उनकी संख्या कितनी है अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो डेफ़िनेटली हमें एक अलग तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और अगर किसी भी रिक्ति के लिए उम्मीदवार बहुत कम हैं गिनती के हैं गिने चुने हैं तो हम अलग तरीके का जो चयनित तरीका है या प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे और मेथड दैट इज़ अडॉप्टेड फॉर मेकिंग कॉन्टेक्ट विद दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज आपने किस प्रकार से उम्मीदवारों को यहाँ पर लाया है आपका रिक्रूटमेंट का सोर्स कैसा था इंटरनल है या एक्सटर्नल है इंटरनल के भी हमने बहुत सारे सोर्सेज डिस्कस किए थे बहुत सारी प्रक्रिया हमने डिस्कस करी थी ऐसी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज थे तो आपने क्या सोर्स यूज किया है रिक्रूटमेंट का उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है उसके साथ साथ आपने किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया है अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को उस पर आपका ये निर्भर करेगा चयन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों चरण चुने जाने वाले कर्मचारियों या कर्मियों के प्रकार पर निर्भर करता है आप किस तरीके के पर्सनल को सिलेक्ट करना चाहते हैं किस लेवल ऑफ कैंडिडेट को उम्मीदवार को किस रिक्ति के लिए आप ढूंढ रहे हैं उस पर भी बहुत हद तक आपकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो निर्भर करती है लेवल ऑफ कैंडिडेट क्या है आपकी पोजीशन क्या है जिसके लिए आप चयन कर रहे हैं अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस किन किन चीज़ों पे बेस्ड होता है उसके बारे में हमने बात करी इसमें तीन चीज़ें थी आपके जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या क्या है आपने जो उनका रिक्रूटमेंट किया है उसका सोर्स क्या है इंटरनल है या एक्सटर्नल है आपका तरीका क्या था उनको लाने का और किस पोजीशन के लिए आप चयन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं उस पर भी वो निर्भर करता है अब ये हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है या सिलेक्शन का प्रोसेस है सॉरी शुरुआत इसकी कहाँ से होती है वो डेफ़िनेटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ही शुरू होती है जहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन पूल आता है जो उम्मीदवार हैं जो हमारे रिक्तियों के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद ही हमारा ये चयन का प्रक्रिया शुरू होगी और शुरुआती दौर में सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू सबसे पहले आप उन उम्मीदवारों की जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं उसमें से आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं आप छाटते हैं कि कितने लोग इस वैकेंसी पे एप्लीकेबल हैं कितनी एप्लीकेशन जो हैं वो सूटेबल हैं उनको आप रखते हैं और जितनी भी आपकी अनसूटेबल एप्लीकेशन हैं जो आपको लगता है कि ये लोग इस नौकरी के या इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं उनको आप हटाते चलते हैं दूसरा आप उनसे एप्लीकेशन ब्लैंक फिल कराते हैं एप्लीकेशन बैंक एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप उन सारे उम्मीदवारों की डिटेल्स भरवाते हैं जैसे कि उनका नाम उनका क्वालिफिकेशन उनका एक्सपीरियंस उनका पहले पूर्व किया हुआ कार्य उनका अनुभव उनका वेतन जो वो पिछली सैलरी ड्रॉ करते थे पिछले अपने एम्प्लॉयर से उन सारी बेसिक इन्फॉर्मेशनस को कलेक्ट करने का एक फॉर्म होता है जिसको कि हम एप्लीकेशन ब्लैंक का नाम देते हैं इसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो हैं वो सिलेक्शन टेस्ट कराती हैं बहुत सारे उनके टेस्ट होते हैं अलग अलग तरीके के टेस्ट अलग अलग उम्मीदवारों को चेक करते हैं अलग अलग स्तर पर जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप आमने सामने बैठ के लोगों से बात करते हैं और उनके बारे में और नज़दीकी तौर से जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि जो उम्मीदवार है जिसने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है इसका पूर्व जो कार्य था या पूर्व ये कहाँ कार्य कर रहा था किस तरीके से ये कार्य करता था उसका जो बैकग्राउंड है क्योंकि आप किसी भी नए कैंडिडेट को जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कराते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में एक बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करें ताकि आप उस पर सिक्योर और सेफ़ भी महसूस करें कई ऑर्गेनाइजेशन में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ़ जॉब ठीक है कार्य किस प्रकार का है किस तरीके के उम्मीदवार की हमको ज़रूरत है वहाँ पे फ़िज़िकल फिटनेस का क्या रोल है उसके हिसाब से उनका मेडिकल टेस्ट और उनकी फिज़िकल फिटनेस के बारे में जानकारी ली जाती है ताकि वो नौकरी कर तो ज्वाइन करने के लिए तो आए हैं क्या उसको करने के लिए मेंटली भी तो फिट हैं या फ़िज़िकली भी फ़िट है या नहीं उसको इसमें चेक किया जाता है उसके बाद जो आपके संगठन की एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिनसे आपको अप्रूवल लेना होगा कि आप ये चयन कर सकते हैं या नहीं जब उसके बाद आप उनको फाइनल एक डिसीजन बताते हैं जिसको हमने फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन के तौर पे बताया इस इस स्टेज पे आके आप उस उम्मीदवार को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है जब वो इन सारे स्टेप से पास कर लेता है उसके बाद आप उसको इन्फॉर्म करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है इस स्टेप में आप उनको एक टेम्प्रेरी पीरियड uh, के लिए आप उनको अपॉइंट करते हैं प्रोबेशनरी पीरियड होता है उनके कार्य को देखते हुए आगे वो किस प्रक्रिया से कार्य कर रहे हैं फिर आगे उनकी चयन किया जाता है उनको फाइनली परमानेंट uh, किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और जो इसका लास्ट स्टेप है वो है इवेल्यूएशन इवेल्यूएशन हमने इसमें इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी है क्योंकि ये बाद में हम उसको चेक भी करेंगे कि हमने इन सारी चीज़ों के बाद जब कैंडिडेट को सेलेक्ट किया अपने यहाँ पर तो क्या वो कैंडिडेट उस तरीके का था जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं वो अच्छे से कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है उस जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा तो ये सारी चीज़ें हमें इवेलुएट करनी होती हैं और इवेलुएशन से हमें पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कितना अच्छा है क्या चीज़ें हमें इसमें और नई जोड़नी पड़ सकती हैं अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्टेज से जिसमें हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू की उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन पूल से स्टार्ट होता है अगर आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है उम्मीदवार ही नहीं है तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पास एक एप्लीकेशन पूल इकट्ठा हो जिसको आप स्टडी करें जिसको आप देखें कि कितने उम्मीदवारों ने आपकी रिक्तियों के लिए अप्लाई किया है तो एक ये बिल्ट करता है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो बेस देता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस को अगर ये नहीं है तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कोई भी एक बेस नहीं मिलेगा इसमें सबसे पहले हमने कहा कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होता है प्राप्त सभी आवेदनों की क्रमिक विभाग द्वारा जाँच की जाती है ताकि उन आवेदकों को बाहर किया जा सके जो आवश्यक योग्यता या कार्य अनुभव या तकनीकी कौशल को पूरा नहीं कर सकते इस स्टेज में आप क्या कर रहे हैं आप उन सारे उम्मीदवारों को वहाँ से हटा रहे हैं या उन एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जिस जॉब के लिए आप उनका सिलेक्शन करने वाले हैं उसके योग्य नहीं हैं या उतना उनका अनुभव नहीं है कि वो उस कार्य को पूरी तरीके से कर पाएँ उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ऐसे उम्मीदवारों को उसकी स्कृति की सूचना दी जाती है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है जो आपने अप्लाई की है उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दी जॉब पोजीशन फॉर विच वी आर मेकिंग आर सेलेक्शन इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस है जैसे हमने बात की थी आवेदन पत्र या आवेदन पत्र ठीक है जिसको हम एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं ये रिक्त स्थान रुचि और चर्चा के क्षेत्रों को इंगित करके प्रभाविक जानकारी के साथ साथ साक्षात्कार में सहायता प्रदान करना है जानकारी आमतौर पर निम्नलिखित मद्दों पर ली जाती है क्योंकि जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए भेजा है उसमें एक जनरल अमूमन तौर पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने करिकुलम वाइटे को भेजते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो उम्मीदवार है इसका क्या बैकग्राउंड है इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है लेकिन फिर भी हम उससे क्या करते हैं एक एप्लीकेशन ब्लैंक फिल कराते हैं एक फॉर्म फ़िल कराते हैं ताकि और उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिल सकें और क्लैरिटी आ सके कि जिस जॉब के लिए जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कराना चाहते हैं उसमें वो किस तरीके से सूटेबिलिटी हो पाएगी तो इसमें जनरली उनका एक बायोग्राफिकल डेटा पूछा जाता है ठीक है उनके जीवन संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा जाता है उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट कितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसके बाद उनका जो कार्य अनुभव है जो कार्य वो अभी तक करते आए हैं उनका किस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस है उसकी यहाँ पर डिटेल आपसे उनसे मांगी जाती है उनके सैलरी और बेनिफिट्स क्या थे पिछली जॉब में ताकि इस पर नगोसिएट किया जाए आगे जाके हमको कितना वेतन हमें देना है इस इस पोजीशन पे जिसके लिए हम उनका आगे सिलेक्शन करने वाले हैं तो उनसे उनकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है या पिछले संस्थान में उनको क्या क्या बेनिफिट दिए जाते थे उसके बारे में उनसे पूछा जाता है और इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा जाता है कि उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर का क्या नाम था क्या पता था और रेफरेंसेस क्या हैं क्योंकि हम किसी भी उम्मीदवार को अपने यहाँ पर जब चयन करते हैं तो हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसका फीडबैक लेना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो कार्य था वो किस प्रकार का था क्या वो संतुष्टिजनक कार्य कर रहे थे या उन्होंने कुछ इस तरीके से तो नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें पिछले संस्थान से निकाला गया है तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप एप्लीकेशन ब्लैंक के थ्रू करते हो और फिर इनको स्टडी करते हैं इसके बाद ही ये हर एक स्टेप है आप हो सकता है पहले ही स्टेप में आउट हो गए हों या कोई उम्मीदवार जो है पहले स्टेज में आउट हो गया हो तो उसको ये एप्लीकेशन ब्लैंक नहीं करना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बहुत सारे जो एप्लीकेशन आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है जो पास होते हैं वो ये सेकंड प्रोसेस पे या सेकंड स्टेज पर आते हैं जिस पे उनको ये एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तीसरा जो इसका स्टेज है उसको हम बात करते हैं चयन प्रशिक्षण सिलेक्शन टेस्ट होते हैं अब जब आपने उनसे एप्लीकेशन ब्लैंक या फॉर्म फ़िल करा लिया है तो उसके बाद आप उनका विभिन्न प्रकार का जो है वो टेस्ट लेते हैं जिसको हम चयन प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं इसमें अलग अलग तरीके का टेस्ट आप लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पोजीशन के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं या चयन कर रहे हैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं उम्मीदवार की तो उसमें कुछ टेस्ट के हम बारे में डिस्कस करेंगे आपको बताएंगे कि क्या क्या अलग अलग, अलग प्रकार के प्रकार के टेस्ट होते हैं सबसे पहला इसमें हमारा जो है वो है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कि हम व्यक्तित्व प्रशिक्षण भी कहते हैं कभी कभी व्यक्तित्व कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है ये उम्मीदवार के व्यक्तित्व गुणों जैसे सहयोगशीलता भावत्मका संतुलन आदि को निर्धारित करते हैं ये किसी व्यक्ति की प्रेरणा रोज़मर्रा की जिंदगी के तनाव के साथ समायोजन परस्परिक संबंधों की क्षमता और आत्म छवि को आलंकन करता है ये बेसिकली क्या है आपका व्यक्तित्व प्रेशर पर्सनैलिटी टेस्ट है और ऐप्टीट्यूज टेस्ट जो है वो आपकी कैपेसिटी और टैलेंट एबिलिटी को बताता है ऐप्टीट्यूड लेवल को बताता है इस टेस्ट के द्वारा आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को आपके टैलेंट एबिलिटी को ये बताने की कोशिश करता है ताकि आप उस पर्टिकुलर जॉब पे कार्य कर पाएंगे नहीं उतना आपका एप्टीट्यूड लेवल है या नहीं है और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपकी एक बेसिक पर्सनैलिटी किस तरीके की है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जब वो किसी कार्य के लिए चयन किया जाता है तो उसका जो बेसिक नेचर है उसकी जो बेसिक पर्सनालिटी है उससे बहुत हद तक एक कार्य पे फ़र्क पड़ता है तो पर्सनालिटी उनके कोऑपरेटिवनेस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो हमेशा टीम वर्क होता है कोऑपरेटिवनेस एंड कोऑर्डिनेशन हर जगह पर ज़रूरी होता है तो वो कितने कोऑपरेटिव हैं कितना उनका इमोशनल बैलेंस है कितना वो एडजस्ट कर पाते हैं स्ट्रेस को कितना झेल पाते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जो टेस्ट है उसको हमने पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा हम रुचि टेस्ट भी करते हैं जिसको कि हमने इंटरेस्ट टेस्ट के, के नाम से जानते हैं ये आवेदक की रुचियों का निर्णय करते हैं जो आवेदक हैं उस उनकी किस प्रकार की रुचियां हैं आवेदकों से पूछा जाता है कि क्या वह स्कूल के विषयों व्यवसायों मनोरंजन लोगों के विचिष्ट ओं और विशेष गतिविधियों के कई उदाहरण को पसंद करता है नापसंद करता है या उनके प्रति उदासीन है तो उनसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि उनकी लाइक और डिसलाइक्स क्या हैं उनसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जाता है जैसे स्कूल में पढ़ाए गए जो उनको विषय थे किस तरीके के ऑक्यूपेशंस में वो ना जाना चाहते हैं उनको किस तरह का मनोरंजन पसंद है पिकलेरिटीज़ क्या हैं क्या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो उनको करना पसंद है और क्या चीज़ें हैं जो उनको करना पसंद नहीं हैं बेसिकली जितने भी टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं उससे हम उस इंडिविजुअल की उस पर पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग स्तर पर जैसे हमने बात करी एप्टीट्यूड टेस्ट की पर्सनालिटी टेस्ट की इंटरेस्ट टेस्ट की और अब नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट उनका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है उसको हम प्रदर्शन प्रशिक्षण के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इस प्रशिक्षण में आवेदक के कार्य करने की अपनी क्षमता प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है उदाहरण के लिए भावी टाइपिस्टों की गति और सटीकता के साथ कई पेज टाइप करने के लिए कहा जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टाइपिस्ट को ढूंढ रहे हैं किसी ऐसी पोजीशन के लिए टाइप टाइपिस्ट को ढूंढ रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस करने के लिए दी जाएगा कि करके दिखाइए एक मिनट में आप कितना टाइप कर सकते हैं आप कितने पेज टाइप कर पा रहे हैं तो उनकी स्पीड कैसी है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि एक एक छोटा सा टेस्ट लिया जा सकता है और ये चेक किया जा सकता है कि ये किस तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे कितने इसमें एफिशिएंट हैं तो उसमें आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी ले सकते हैं पता करने के लिए कि ये कैसा कार्य करेगा इसके अलावा बुद्धि टेस्ट भी आप करते हैं बुद्धि प्रशिक्षण जो इंटेलिजेंट टेस्ट है आपका कि ये जो पर्सन है इसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है इसकी रेस्पेक्ट टू रीजनिंग वर्ड फ्लुएंसी कैसी है नंबर्स को ये कितना याद रख पाते हैं मेमोरी कैसी है इनका पिक्चर अरेंजमेंट कैसा है राइट right, एप्टीट्यूड हो गया उनकी कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स को पता करने के लिए वेयर इज इंटर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो उनकी मेमरी को टेस्ट करने के लिए उनके मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए है कि वो कितना इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं उसके बाद कई बारी नॉलेज टेस्ट भी किया जाता है टू फाइंड आउट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी बेसिक कंसेप्ट कई जगह पर लोगों को उसकी इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं उसके बारे में उनको पूर्ण ज्ञान है या नहीं या आवेदकों के द्वारा पहले से ही हासिल किए गए कुछ कौशल जैसे इंजीनियरिंग लेखांकन आदि में ज्ञान और दृढ़ता की गहराई को मापने के लिए तैयार किया जाता है आपने जिस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए अप्लाई किया उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको कितनी है कितना आपको उसके बारे में ज्ञान है उसके लिए आपको ये जरूरी है जानना इसके अलावा आपका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है आपकी जो उपलब्धियां हैं उसका प्रशिक्षण भी लिया जाता है जबकि योग्यता भविष्य में सीखने की क्षमता है उपलब्धि का संबंध इस बात से है कि, कि किसी ने क्या हासिल किया है जब आवेदक कुछ जानने का दावा करते हैं तो यह मापने के लिए एक उपलब्धि प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे इसे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं तो जो आपका एप्टीट्यूड है वो आपके जो कैपेसिटी है फ्यूचर लर्निंग कैपेसिटी है उसमें आपको ये मदद करता है और अचीवमेंट ये पता करने की कोशिश करता है कि आज तक आपने कितनी चीज़ों को अकम्पलिश किया है क्या क्या चीज़ों की आपकी उपलब्धि है किस चीज़ों कितनी चीज़ों को आपने प्राप्त किया है ताकि ये अंदाज़ा लगा सके कि पहले आपने कितनी सारी चीज़ें कर चुकी हैं और आगे आने वाले समय में आप और क्या क्या कर सकते हैं आपके अचीवमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि फ्यूचर में आप किसी भी कार्य को और बेहतर तरीके से कैसे कर पाएंगे इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है उसमें आप क्या करते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार की उनको पिक्चर्स दिखाते हैं ठीक है उन पिक्चर्स में बहुत सारे एम्बिगिटीज़ होती हैं फिर उनसे आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो उम्मीदवार है इसकी सोच कैसी है किस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है या उसका परसेप्शन जो है वो कैसा है इन प्रशिक्षणों में आवेदन अपनी व्यक्तित्व को उसे दिखाए गए चित्रों के बारे में स्वतंत्र प्रतिक्रिया में प्रोजेक्ट करता है जो स्पष्ट होते हैं ठीक है तो इसमें आप पता लगाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में उसकी किस तरीके से सोच है या किस तरीके का वो परसेप्शन रखता है कैसे वो डिसीजन मेकिंग करेगा उसके उसकी जानकारी के लिए आप प्रोजेक्टिव टेस्ट भी करते हैं तो ये कुछ आपके टेस्ट हैं जिनके बारे में हमने बात करी जैसा कि मैंने कहा सिलेक्शन टेस्ट एक स्टेज है एक स्टेप है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ये सारे ही टेस्ट करें ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए किस ज, किस जॉब के लिए हम चयन कर रहे हैं उम्मीदवार की उसी प्रकार का ये टेस्ट किया जा सकता है अमूमन तौर पे एक या दो तरीके के टेस्ट जो संगठन हैं वो करती हैं ये समझने के लिए कि वो जो इंडिविजुअल है वो कैंडिडेट है वो किस प्रकार का है आगे हम बात करते हैं अच्छे परीक्षण के नियम हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि टेस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं कुछ अच्छे परिणाम के लिए कुछ नियम हमें लागू करने पड़ेंगे तभी हम इनको सक्सेसफुली रन कर पाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम कह रहे हैं नॉम शुड बी डेवलप फॉर ईच टेस्ट हर एक टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले उसके कुछ नियम होने चाहिए प्रत्येक परीक्षण के, के लिए मानदंड विकास किए जाने चाहिए और इसकी जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है कितने ये रिलायबल है मान लीजिए आपने टेस्ट कंडक्ट किया और आप उस पर पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं कि इस टेस्ट के द्वारा जो भी रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे आप कैंडिडेट का चयन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट आपको बेस्ट कैंडिडेट निकाल के दे अगर वो टेस्ट खुद में ही रिलायबल और वैलिडेट नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा टेस्ट कंडक्ट करें जो अपने आप में रिलायबल हो वैलिडेट हो ताकि उस टेस्ट को कंडक्ट कराने के बाद जो भी उसके परिणाम आए हैं और उसके बाद जो आप चयन करते हैं किसी भी उम्मीदवार का तो वो चयन आपका सही हो एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू डिजाइन वैलिडेट एंड चेक टेस्ट आपने पूरा समय दिया हो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी टेस्ट जब डिजाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने में आपने पूरा समय दिया हो उसको समझा हो पूरे रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐसे नहीं आप टेस्ट कर रहे हैं आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है आपने एक दो चीज़ें देकर कैंडिडेट को स्टडी कर लिया और उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट ड्रॉ कर दिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा या जो कैंडिडेट आप चेयर करेंगे वो सही नहीं होगा तो परिश्नर्शों को डिज़ाइन करने मान्य करने और जांचने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए तभी उनकी सही रिजल्ट आएंगे इसमें आगे हम कहते हैं टेस्ट शुड बी डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेड ओनली बाय ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन जो टेस्ट डिजाइन किए जा रहे हैं जो भी टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं वो टेस्ट किसी ने भी नहीं बनाए हों कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो कोई एक्सपर्ट हो, हो जिसको मालूम है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाने हैं किस तरीके से इस टेस्ट को कंडक्ट कराना है इसकी क्या सही प्रक्रिया है उनके ही द्वारा वो टेस्ट कंडक्ट कराए जाने चाहिए जबकि अगर कोई भी उस टेस्ट को कंडक्ट करा लेगा जिसको मालूम ही नहीं है कि इसके परिणाम को इसकी प्रक्रिया को कैसे फॉलो अप करना है तो उस टेस्ट से कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इसके अलावा दी यूजर ऑफ़ दी टेस्ट मस्ट बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑफ़ दी फीलिंग ऑफ पीपल अबाउट टेस्ट जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उस समय भी आप ये ध्यान रखें कि जिस पर आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उस किस तरीके से उसकी फीलिंग है बेहद संवेदशीलना होनी चाहिए इसको कराते समय ऐसा नहीं है कि आप इन ह्यूमन के ये टेस्ट कंडक्ट कराएं और किसी भी तरीके से आप उनका रिजल्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें आगे इसी में बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो टेस्ट हैं वो यूज होने चाहिए एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस इनके बेसिस पे आप पूरी तरीके से अपना रिजल्ट ड्रॉ ना करें इनको केवल एक स्क्रीनिंग उपकरण के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए इनके आधार पर पूरी तरीके से आप रिजल्ट ड्रॉ ना करें इसके अलावा आपको निर्णयों तक पहुंचने के लिए केवल परीक्षणों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए आप केवल इन पर रिलाई ना करें जैसा हमने अभी भी, भी बात करी थी इनको केवल स्क्रीनिंग के तौर पर या स्क्रीनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाए जब आपके पास बहुत नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होती है और आप हर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं तो समय पर ठीक है कि आपने इनको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर लिया बट आप होल्ली एंड सोल्ली अगर केवल इन्हीं के रिजल्ट्स पे आप बेस्ड होकर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कई बार आपका डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है टेस्ट शुड मिनिमाइज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टॉटेड रिजल्ट दे मस्ट बी रेस फ्री आपके जो टेस्ट हैं वो सभी के लिए सामान्य होने चाहिए आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टेस्ट को यूज़ ना करें दे शुड बी रेस फ्री मीन्स उसमें आप कभी भी किसी के लिए जाति मुक्त होना चाहिए ये नहीं कि आपने वुमेन्स के लिए अलग टेस्ट रखा है मेल्स के लिए अलग टेस्ट रखा है या किसी और अन्य वर्ग के लिए आपने अलग तरीके का टेस्ट रखा है वो सही नहीं है बहुत ज़रूरी है जो भी टेस्ट आप कंडक्ट करें वो सामान्य रूप में सभी के लिए एक जैसा ही हो इसके अलावा टेस्ट सोर्सेज आर नॉट प्रसाइज मेजर्स दे मस्ट बी असाइंड अ प्रॉपर वेटेज जो भी आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उसका जब आप रिजल्ट ड्रॉ करते हैं तब उनको एक प्रॉपर वेटेज दें ऐसा नहीं कि बस उनको बस कराने के लिए आपने कुछ भी स्कोर कर दिया या कुछ भी नंबरिंग कर दी वो ज़रूरी नहीं है टेस्ट स्कोर सटीक माप नहीं है उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की सिलेक्शन जैसे हमने कहा अलग 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 प्रक्रिया से होके चल रहा है जिसमें हमने एप्लीकेशन पूल से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी जो लोग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से पास ऑन होते हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है जिन जिन कैंडिडेट का जिन उम्मीदवारों का एप्लीकेशन ब्लैंक या उनकी इन्फॉर्मेशन सही लगती है फिर उनका टेस्ट लिया जाता है और जो उम्मीदवार उस टेस्ट से आगे पास हो जाते हैं उनको आगे इंटरव्यू तक लाया जाता है इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेते हैं आगे फर्दर उनके बारे में आप जानते हैं फैसिलिटीज़ गिवन टू द कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जॉब कंपनीज पॉलिसीज़ एंड प्रोडक्ट उम्मीदवारों को जो नौकरी जो कंपनी उनकी निक्तियों उत्पादनों आदि के बारे में जानकारी देने की सुविधा प्रदान करता है और ये बेसिकली ऐसे करने के मदद करता है कि आपका जो उम्मीदवार है वो कितना सूटेबल है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्योंकि इससे पहले तक की जो भी प्रक्रिया आपने करी है उसमें आप कैंडिडेट से वन टू वन बात नहीं कर रहे हैं हर चीज़ से आप उनसे बस उनके माइंडसेट को जानने की कोशिश करते हैं उनके पर्सनैलिटी को आप जानने की कोशिश करते हैं लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप फेस टू फ़ेस बैठ के उस कैंडिडेट से डिस्कशन कर रहे हैं तो आप जान पाएंगे भाप पाएंगे कि जो उम्मीदवार है वो कितनी बातों को सही और सही प्रकार से रख पा रहा है तो जो इंटरव्यूज हैं वो अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं इंटरव्यूज़ का जो पैटर्न है जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से होता है उसको हम तीन पागे में आगे डिस्कस करेंगे जैसे डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए उसके इंटरव्यू का पर्पस क्या है और इंटरव्यू का कंटेंट क्या है किस तरीके के वो सवाल पूछ रहा है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है दो तरीके से इंटरव्यू लिया जा सकता है एक है स्ट्रक्चर्ड और होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड जिसको हम बात कर रहे हैं असंचित या गैर निर्देशात्मक और दूसरा है संचित या निर्देश अनुसार तो अनस्ट्रक्चर्ड जो वे है जैसे आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आपने पहले से सोच नहीं रखा है या पहले से आपने लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन नहीं बना रखे हैं कि आप क्या क्या सवाल पूछेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपने कुछ भी पूछ लिया कैंडिडेट से जो आपको लगता है कि इस नौ, इस नौकरी से या इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है या वो किस प्रकार से उसका उत्तर दे रहा है तो उसमें जो इंटरव्यूअर है वो कुछ भी सवाल पूछ लेता है जो भी उसके दिमाग में उस समय पर आता है जो उसको लगता है कि इस नौकरी में इस उम्मीदवार को टेस्ट करने के लिए ये पूछा जाना चाहिए तो इस तरीके के फॉर्मेट को इस तरीके के इंटरव्यू को हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं वेर एज जो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो पूरी तरीके से प्लान और डिफाइंड होता है जिसमें आप हर तरीके के सवाल को पहले से ही लिख कर रखते हैं ताकि आप उम्मीदवार से वो सारे प्रश्न पूछ सकें जो आपको लगता है जिनके जवाब आपको चाहिए उसको चयन करने से पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक पहले से ही स्पेसिफाइड किया जाता है एडवांस में और उनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है कि उनके जो रिस्पॉन्स हैं जो भी वो आंसर कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है इसके अलावा जो पर्पज़ है इंटरव्यू का जैसे हमने कहा तनाव साक्षात्कार एक विषय प्रकार का चयन सशक्त है जिसमें आवेदन को अजीब और असभ्य प्रश्नों की श्रृंखला से असहज कर दिया जाता है ये एक तरीके का स्ट्रेस इंटरव्यू होता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो कैंडिडेट है जो उम्मीदवार है वो क्या स्ट्रेस में काम कर पाएगा कि नहीं या उसके पास बहुत सारी जब अब जिंदारियाँ आ जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जबकि आज के समय में जब हम बात करते हैं और अमूमा तौर पे जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको एक स्पेसिफ़िक रोल कभी भी प्ले नहीं करना होता बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं जो मल्टीपल जॉब्स हैं जो आपको करनी पड़ती हैं और ऐसे समय पे कई बार बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसके कारण वो उस कार्य को अच्छे से नहीं पूरा कर पाते हैं तो यहाँ पर इस इंटरव्यू में ये भी जानने की कोशिश करती है कि की, की जाती है कि अगर उनको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाते हैं उनसे कुछ उटपटांग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ असहज तरीके से उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो किस चीज़ को कितना बैलेंस करने की कोशिश कर पा रहे हैं उस पर्सनालिटी उनकी कैसी है उस काम को वो आगे कर पाएंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में कार्य बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाते तो आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है आपकी जो ब्रेन की वर्किंग है वो किस तरीके की है आप स्ट्रेस में डिसीजन मेकिंग ले पा रहे हैं कि नहीं उन चीज़ों को समझने के लिए ये इंटरव्यू रखा जाता है जिसमें हम पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू ये है कि आप उस चीज़ को टेकअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी दी एम ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू इज सपोजिटली टू आइडेंटिफाई एप्लीकेंट्स लो और हाई स्ट्रेस टॉलरेंस आपका स्ट्रेस टॉलरेंस कैसा है लो है या हाई है इसके अलावा हम जब कंटेंट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं तो कंटेंट ऑफ इंटरव्यू में हम बात कर रहे हैं कि इनके पास जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं जॉब और उनका बिहेवियर रिलेटेड सिचुएशंस देते हैं जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में हम उनसे उनके पास्ट आ, का, काम के बारे में पूछते हैं कि जो उन्होंने पिछला कार्य किया है वो कैसा था किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारियां थी उस कार्य को करने में वो किस तरीके से अपने आ, हैंडल करते थे अलग अलग चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं ताकि हम ये जानकारी कोशिश जानकारी ले सकें इस बात को समझ सकें कि जो उनका जॉब था पिछला उस पर उन्होंने किस तरीके से कार्य किया दूसरा जो होता है वो बिहेवियर इंटरव्यू सिचुएशन होता है जिसमें आप अलग अलग तरीके के उनसे सवाल पूछते हैं अलग अलग सिचुएशंस उनसे देते हैं ताकि आप ये जानकारी ले सकें कि ऐसी सिचुएशन में उनका बिहेवियर कैसा होगा वो किस प्रकार से कार्य करेंगे उनका जो काम करने का तरीका होगा वो कैसा रहेगा अलग अलग सिचुएशंस में इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरव्यूइंग की इंटरव्यू करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए आ, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा प्रस इंटरव्यू सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा स्टेज है स्टेप है जिसके थ्रू आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये ये यहाँ तक आते आते कैंडिडेट को आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये इस कार्य को करने लायक है या नहीं है इसका चयन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो एडविन बी फ्लिपो ने कुछ प्रिंसिपल्स दी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है उचित परिवेश प्रदान करें साक्षात्कार के लिए भैतिक स्ट्रिंग निजी और आरामदायक दोनों होनी चाहिए आपको एक प्रॉपर सराउंडिंग देनी चाहिए फिजिकल सेटिंग फॉर दी इंटरव्यूअर शुड बी प्राइवेट एंड कंफर्टेबल आप जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं वो आसपास का जो जगह है प्रॉपर सराउंडिंग होनी चाहिए कहीं पर भी कैसे भी इंटरव्यू नहीं होता एक बहुत ज़रूरी है कि जो फिजिकल सेटअप होना चाहिए इंटरव्यू स्टेज का वो एक प्रॉपर होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए प्राइवेट होना चाहिए मेंटल सेटिंग शुड बी वन ऑफ रेप द इंटरव्यूअर मस्ट बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर आपका जो मेंटल बिहेवियर है या जो आपका मेंटल सेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और जो इंटरव्यूअर हो उसको पता होना चाहिए कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है जो नहीं कहा जा रहा है उसके बाद भी अगर कोई कैंडिडेट किस तरीके से उसका बिहेवियर है कई बातें आप कह के या सुन के समझते हैं कई बात आप बिना कहे बिना सुने समझ जाते हैं तो नॉर्मरबल बिहेवियर कैसा है मानसिक सेटिंग तालमेल वाली होनी चाहिए और साक्षात्ता को गैर मौखिक व्यवहार के बारे में भी पता होना चाहिए इंटरव्यूअर जो है वो इतना होशियार हो उसे मालूम हो कि उसकी आ, सामने वाले की मेंटल स्टेटस को वो रीड कर पाए ठीक है जो उम्मीदवार है उसको आप रीड कर पाए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है अगर वो कुछ कह रहा है तो क्या वो पूरी तरीके से उस बात को कह रहा है या मानता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं तो इंटरव्यूअर को इस, इस इस तरीके का होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उस प्रकार से हो कि कैंडिडेट नहीं भी कह रहा हो तो वो समझ जाए कि वो किस प्रकार का कैंडिडेट है तीसरा इसमें हम बात कर रहे हैं प्लान फॉर इंटरव्यू थ्रो रिव्यूइंग जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है आप किसी भी कैंडिडेट का जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं आप ऐसे ही किसी का इंटरव्यू लेने चले जाते हैं आपको मालूम ही नहीं है कि इसको किस पोजीशन के लिए हम चूज़ करेंगे तो आप किस तरीके के सवाल पूछेंगे किस तरीके की स्किल्स और नॉलेज को आप टेस्ट करेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमने बनाया है जो हमने कहा है कि हमारे जॉब के डिस्क्रिप्शन ये हैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये ड्यूटीज हैं ये रोल्स हैं ये आपको प्ले करने हैं इस जॉब पे और इसको होने के लिए आपके पास इतनी नॉलेज स्किल्स कैपेबिलिटीज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो वो अगर आपको मालूम नहीं है तो डेफिनेटली आप सही प्रकार से इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे और सही सवाल जब आप नहीं पुटअप कर पाएंगे तो चयन भी सही नहीं होगा इसके साथ साथ आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ इंटरव्यू क्या है आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको कैंडिडेट candidate, कितने कैंडिडेट्स को चूज करना है या किस तरीके के कैंडिडेट को आपको चूज करना है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस मेथड के थ्रू आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपको पता होना जरूरी है इसके अलावा प्रिंसिपल्स में हम कह रहे हैं इन्फॉर्म योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल कंसर्निंग दी नोन इंफॉर्मेशन अबाउट दी इंटरव्यू अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं साक्षात्कर्ता के बारे में ज्ञात जानकारी के बारे में जितना संभव हो सके स्वयं को सूचित करें जितना ज़्यादा आप उनके बारे में जानकारी ले लेंगे ऐसा नहीं कि आप कभी भी बीच में आके इंटरव्यू लेने लग गए इंटरव्यू और वही होना चाहिए जिसने शुरुआती दौर पे हर चीज़ को पढ़ा हो एप्लीकेशन ब्लैंक को समझा हो कैंडिडेट के टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको स्टडी करने के बाद इंटरव्यू पता चला कि सिलेक्शन टेस्ट के रिजल्ट को कोई और स्टडी कर रहा है एप्लीकेशन ब्लैंक को कोई और स्टडी कर रहा है और इंटरव्यू कोई नया ही बंदा आके ले रहा है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं होगा इस एप्लीकेशन के इस एप्लीकेंट के बारे में तो वो उनसे बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट्स को ड्रॉ नहीं करा पाएंगे द इंटरव्यूअर शुड प्रोजेस एंड डेमोस्ट्रेट अ बेसिक लिंकिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो आप ऐसी ऐसे व्यक्तित्व का इस्तेमाल करें कि दूसरे को आपके सवाल या आपका जो तरीका है पूछने का वो इनह्यूमन ना लगे साक्षात्कर्ता में लोगों की प्रति बुनियादी पसंद और सम्मान होना चाहिए आप उनकी रिस्पेक्ट करें आप उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाएं कि आप उनको पसंद करते हैं और आपको वो अच्छा लग रहा है आप उनको कंफर्टेबल कराएं क्योंकि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप सामने वाले साम देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सामने वाला पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं इंटरव्यू देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मन में घबराहट तो होती ही है और जब हमारा इंटरव्यू इस तरीके का होगा जब हमें और घबराहट पैदा करेगा जो और ज़्यादा स्ट्रेस देगा तो शायद हम उस जमे पर उतना ना बता पाएं जितना हमें आता हो तो बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरव्यूअर हो आपका वो आपको कंफर्टेबल कराने में सक्षम हो वो आपको ये उम्मीद दे आपको रेस्पेक्ट करे कि आप जो कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं वो सही है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत हद तक उसके नेचर पे, उसके पर उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा इसके अलावा क्वेश्चन शुड बी आस इन अ मैनर दैट एनकरेज द इंटरव्यूअर टू टॉक दी एप्लीकेंट एट ईज आप इस तरीके से उससे सवाल करें उससे जो अभी प्रश्न पूछें जो उनको एनकरेज करें मोटिवेट करें अगर किसी भी सवाल का अगर वो किसी वजह से गलत जवाब दे जाते हैं या वो भूल जाते हैं कई बारी हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो याद नहीं आती हम घबराहट में उसका जवाब नहीं दे पाते तो आपके सवाल इस प्रकार के होने चाहिए सौम्य तरीके से आप सवाल को पूछें कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में Uh, uh, महसूस करने में उसको कंफर्टेबल लगे एनकरेज करिए कि वो अपने जवाब को दे पाए और उसको आराम से पूछिए प्रश्न को इस प्रकार से पूछे जाने चाहिए जिससे साक्षरकर्ता को बात करने के लिए प्रोत्साहन मिले आवेदन को निश्चिंता रहे कि हाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है उसका उत्तर जो है वो आपको पसंद आ रहा है इसके अलावा आप डिसीजन लें ओनली वैन ऑल दी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल अवॉइड डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम जनरली कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ दी लास्ट इम्प्रेशन जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है कई बारी हम फर्स्ट इम्प्रेशन में इस तरीके की चीज़ों को आ, परसीव कर लेते हैं जो बाद में जाके सही नहीं निकलती हैं जिसको कि हम आ, फिर परसेप्शन एरर में कंसिडर करते हैं जिसको हमने हेलो इफेक्ट का नाम दिया है तो ऐसा ना करें आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो पूरा डेटा जब आप अवेलेबल करा लें आपके पास सारे रिजल्ट्स सा आ जाएं उसके बाद ही आप चयन करें किसी की सुंदरता को या किसी के पहले इंप्रेशन को देख कर आप उन्हें सेलेक्ट करने के लिए अपनी धारणा ना बनाएं इसके साथ ही कंडक्ट दी इंटरव्यू टैक्टफुली आपको जो अपना इंटरव्यू करना है वो साक्षात्कर्ता को बहुत चतुराई से समाप्त करना होता है और ये सुनिश्चित करें करते हुए उम्मीदवार ना हो तो बहुत उत्साहन और ना ही निराश महसूस करें जब आप इंटरव्यू करते हैं तब आप ऐसा उसको कोई सिग्नल ना दें या इस तरीके की उसको फ़ीलिंग ना कराएं कि आप तो किसी लायक ही नहीं है आप क्यों आ गए इंटरव्यू देने के लिए और आपको तो कुछ नहीं आता या फिर आप उस कैंडिडेट को इस तरीके से प्रोत्साहन भी ना कर दें अरे आप तो बहुत होशियार हैं आपको तो सब कुछ आता है और आप तो बहुत ही बढ़िया हैं तो अगर आप दोनों ही तरीके गलत होंगे आपको इंटरव्यू को बहुत एक बैलेंस तरीके से लेके चलना है ताकि सामने वाले को आप ये भी सिग्नल ना दें कि उसको कुछ नहीं आता या ये भी सिग्नल ना मिले कि उसको सब कुछ आता है उसको आपको टैक्टफुली मैनेज करना होगा इसके बाद आपको मेंटेन रखना चाहिए सम रिकॉर्ड ऑफ द इंटरव्यू ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर एट आप जब भी इंटरव्यू लें तो आप एक रिटर्न रिकॉर्ड भी रखें क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप बात कर रहे हैं आपके पास कुछ भी प्रूफ के तौर पर नहीं है तो आपने जो भी उनसे इंटरव्यू में डिस्कशन किया है या जो भी बात करी है उसको आप लिख लें चाहे तो आप साथ में लिख लें चाहे तो आप उसके तुरंत बाद लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इस कैंडिडेट की क्या क्वालिटीज़ थी आपने इनसे जो सवाल पूछे उनके जवाब उन्होंने किस प्रकार से दिए तो उसको आप बाद में नोट करते जाएं ताकि आपको लास्ट में एनालिसिस करने में आ, आसानी रहे क्योंकि आप 10 15 20 लोगों का जब आप इंटरव्यू करते हैं और कई बार इनसे ज़्यादा लोगों का हम करते हैं तो हमें याद नहीं रहता किसने किस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया था तो हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में उनके रिस्पॉन्स के बारे में कहीं ना कहीं उसको नोट करना चाहिए इसके अलावा लिसन अटेंटिवली एंड इफ पॉसिबल प्रोटेक्टिवली आपको हमेशा कैंडिडेट को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से सुनने के साथ साथ प्रोटेक्टिवली भी रहना चाहिए आपको उनको आ, संभव कराना चाहिए कि सही तरीके से आप उनकी बात को सुन रहे हैं उनको कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आप ना दें उनके साथ उनको कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो ऐसे तरीके से आपको इंटरव्यू लेना चाहिए इसके अलावा क्वेश्चन मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली टू अवॉइड कन्फ्यूजन आप उनसे जब सवाल करते हैं तो आपके सवाल इस प्रकार हो जो सीधे सवाल हो जिनसे उनके मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो एक बैलेंस आप मेंटेन रखें ओपन एंड ओवरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बना लिए हैं पहले से ही सोच के आए कि ये 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 सारी चीज़ें पूछनी ही पूछनी है तो इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी एम्बिगिटी उनके मन में आ सकती है तो अपने क्वेश्चन को आराम से पूछिए धीरे धीरे पूछिए और इस तरीके से पूछिए कि उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी ना हो कि आप सामने वाले को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं उसको सुन नहीं रहे हैं या उसकी बात से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए बहुत बहुत आ, काम होनी चाहिए जो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए ये जितने भी हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो एडविन फ्लिपो ने दी हैं वो इंटरव्यूअर के पार्ट पर हैं कि इंटरव्यू जो ले रहा है जो इंटरव्यूअर है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों का अब हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो डेफ़िनेटली अच्छा होगा और हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे उससे बेहतर ड्रा होंगे द इंटरव्यू शुड ऑल्सो मेक टू इंडिकेट द इंटरव्यू लास्ट में जो इंटरव्यूअर है उसको ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ ना कुछ इस तरीके से उसको सिग्नल दें कि हाँ इंटरव्यू अब हमारा खत्म हो गया है समाप्त हो गया है कैंडिडेट को ऐसा ना लगे कि अधूरा रह गया या अभी कोई सवाल और पूछा जाने वाला है जिसका उसको जवाब देना था या वो नहीं दे पाया तो आप उसको इस तरीके से कम्फर्टेबली होके एंड करें ताकि उसको पूर्ति महसूस हो कि हाँ मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज में आता है जब हमने ये सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं कैंडिडेट जब इंटरव्यू वाले स्टेज से भी पास हो जाता है तो उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन अब ज़रूरी है कि आप कैंडिडेट का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करें पुष्टि भूमि की जांच करें चयन प्रक्रिया में अलग कदम उन आवेदकों की जांच करना है जो कर्मचारियों के रूप में संभावनाएं पेश करते हैं इससे उम्मीदवार के कार्य रिकॉर्ड की पुष्टि करने और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन प्राप्त करने नौकरी से संबंधित अन्य और व्यक्तिगत संदर्भों से संपर्क करने और आवेदन पर दिखाई गई सेक्शन उपलब्धियों की पुष्टि करने के लिए पूर्ण नियुक्तताओं के संपर्क करना शामिल हो सकता है इसमें आप क्या करते हैं जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे पहले इन कैंडिडेट्स ने काम किया है उनसे आप उनके वर्क रिकॉर्ड के बारे में उनके अप्रेजल के बारे में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनके जॉब रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेज हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की एजुकेशन वो रखते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी आप कंफर्म करते हैं कई बारी कि उन्होंने जो भी अपने बारे में जानकारी दी है वो सही है या नहीं है वो उसको आप चेक करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी रेफरेंसेस इस स्टेज के बाद पास होने के बाद कई जगह पर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है जिसको हम शारीरिक परीक्षा के नाम से जानते हैं चयन निर्णय के बाद नौकरी की पेशकश से पहले उम्मीदवार को शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है उम्मीदवारों को शरीशिक परीक्षण के लिए या तो कंपनी के चिकित्सा या इस उद्देश्य के लिए अनुमित चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाता है तो फिज़िकल एग्जामिनेशन आपका कराया जाता है ताकि ये चेक करें कि आप मेंटली फ़िट होने के लिए तो आपने इतने सारे टेस्ट लिए ही हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए आप उनको कंपनी के फिजिशियन या किसी मेडिकल ऑफिसर के पास भेजते हैं और ये भेजने से इसको कराने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है आपको पता चलता है कि आपका कैंडिडेट जो है वो फिजिकली फ़िट है या नहीं है इन अकॉर्डिंग टू दी जॉब जिस प्रकार का कार्य वो करने जा रहा है उसको कार्य करने में वो फिट है या नहीं है कैंडिडेट कोई बैड हेल्थ से तो नहीं गुजर रहा है अगर है तो उसको हम करेक्ट कर लें उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है साइकोलॉजिकल एटीट्यूड तो नहीं है उसकी वर्क एफिशिएंसी या फ्यूचर अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग है और उसका कैंडिडेट जो है वो फ़िज़िकल फिट है या नहीं उस स्पेसिफिक जॉब को करने में तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके बाद जब फिज़िकली वो फ़िट पाया जाता है और इन सारे टेस्ट से उसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है तो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनु मोदन किया जाता है उस पर्सन को हम अप्रूवल देते हैं थ्रू दी अप्रूवल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन दी बेसिस ऑफ दी अदब्स अब स्टेप्स सूटेबल कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड फॉर सेलेक्शन बाय दी सेलेक्शन कमेटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट तो जो कमेटी बिठाई गई है जो उसको चयन करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है वो कमेटी बैठती है और फिर उस कैंडिडेट को अप्रूवल मिलता है कि हाँ ये जो कर्म ये जो कैंडिडेट है ये उम्मीदवार जो है ये सारे ही स्टेजेस से पास होके आगे बढ़ा है और अब हम इसको आगे चयन करने के लिए अप्रूव करते हैं उसके बाद फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन दिया जाता है आफ्टर द कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिकमेंड हिज नेम फॉर द एम्प्लॉयमेंट उसके नाम को आगे दे दिया जाता है कि हाँ इस बंदे को आप रख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ कंपनीज जो हैं वो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देती हैं जिसमें कि उसकी पोस्ट उसकी रैंक उसकी सैलरी उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं और जनरली ये एक, एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है जो जुडिशल पेपर पे दिया जाता है और इसमें उसकी आ, होने वाली सभी संबंधित जानकारियाँ जॉब से रिलेटेड लिखी होती हैं इसके बाद आता है आखिर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस इवेलुएट करने के लिए जब आप पूरी तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं तब लास्ट में आप इवेलुएट करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सही है या नहीं है इस प्रोसेस के थ्रू आपने जो कैंडिडेट को चयन किया है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं नहींट करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को अगर आपको लगता है कि वो जो चयन किया गया आपका कैंडिडेट है वो बढ़िया है तो आप इसी प्रकार से अपनी आगे की नौकरियों के लिए आगे की वैकेंसीज के लिए चयन प्रोसेस बढ़ा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड करनी है इसमें तो आप उस तरीके के बदलाव अपने सिलेक्शन के प्रोसेस में करते हैं ये जो प्रोसेस हमने प्रक्रिया जो डिस्कस करी है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कंपनियाँ इसको अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नौकरी के पदों के हिसाब से इसमें कम भर्ती ऊपर नीचे करती हैं लेकिन आमूमन तौर पे ये कुछ स्टेप्स हैं सिलेक्शन के जो फॉलो किए जाते हैं जिसके द्वारा कैंडिडेट को भर्ती किया जाता है चयन किया जाता है अब हम बात करेंगे सिलेक्शन डिसीजन आउटकम्स की सिलेक्शन डिसीजन आउटकम्स क्या हैं इसमें आप देखिए ग्रिड बनाई हुई है जिसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हैं लेटर जॉब परफॉर्मेंस में कैंडिडेट और इस तरफ ऊपर दो चीज़ें रिखी हुई हैं जिसको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट के नाम से जान रहे हैं तो अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल रहा है अपने प्रीवियस जॉब में उसने अच्छा कार्य किया है और उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा डिसीजन जो है वो सही है करेक्ट है लेकिन ऐसा कैंडिडेट जो पिछले जॉब में सक्सेसफुल रहा है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन एरर कर रहे हैं हमारे से गलती हुई है और हमने ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया है जबकि नीचे वाली ग्रेड में हम बात कर रहे हैं अगर जो कैंडिडेट अनसक्सेसफुल रहा है अपने प्रीवियस डांस परफॉर्मेंस में और उसको आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस और एरर है और अगर किसी कैंडिडेट ने अनसक्सेसफुल रहा है और उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं आपका तो डिसीजन जो होगा वो करेक्ट होगा तो ये देखना होगा अपनी जॉब परफॉर्मेंस जो आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसकी लास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी वो वहाँ सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था उससे बहुत हद तक आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो बेसिकली दी प्रिडिक्ट वेदर विच जॉब एप्लीकेंट वुड बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड जो आप हायर कर रहे हैं वो कैसे सक्सेसफुली काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और उसको अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्म करेंगे इसमें आगे आता है आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं सिलेक्शन होने के बाद किसी भी कैंडिडेट का चयन या भर्ती होने के बाद आप उसको सही जगह पर प्लेस करें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि अगर आपने सही पर्सन को सही जगह पर प्लेसमेंट नहीं दिया तो आपकी जितना भी प्रक्रिया आपने फॉलो करी थी उस कैंडिडेट को चयन करने में वो बेकार हो जाएगी क्योंकि राइट कैंडिडेट को राइट right प्लेस पर आपको आ, रखना है तो आ, पिगोर्स और मायर कहते हैं प्लेसमेंट कंसिस्टेड इन मैचिंग व्हाट दी सुपरवाइजर हैज़ रीजन टू तो थिंक दी न्यू एम्प्लॉई कैन डू विद द जॉब डिमांड इम्पोजेज एंड ऑफर्स टू इट राइट तो इसमें आपको ये देखना है कि आपने सही पर्सन को सही जगह पर प्लेस किया या नहीं किया उस प्रक्रिया को हम प्लेसमेंट का नाम देते हैं उसके बाद उसके प्लेसमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जैसे जॉब शुड बी ऑफर्ड टू दी मैन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन अगर आप उसने जॉब शुड बी ऑफर टू दी मैन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन अगर आप उसको ओवरली क्वालिफाइड जॉब दे देते हैं या अंडर क्वालिफाइड जॉब देते हैं तो दोनों में ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी इसके अलावा वाइल इंट्रोड्यूसिंग दी जॉब टू दी न्यू एम्प्लॉई एंड एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ लॉयलिटी एंड कॉपरेशन इन हम सो दैट ही में रिलाइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बटर टुअर्ड्स दर्गनाइजेशन एंड जॉब जब आप किसी कैंडिडेट को किसी व्यक्ति को नई जॉब देते हैं तो उसको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर लॉयलिटी और कोऑपरेटिवनेस आए और वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाएँ दी इम्प्लॉयज शुड बी मेड कन्वर्सेंट विद दर्किंग कंडीशन प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दी जॉब ही शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द पेनल्टीज इफ़ ही कम इट्स आपको यहाँ पर एम्प्लॉय को ये भी बताना होगा कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं किस तरीके से आपको कार्य करना है और अगर आप कुछ गलती करते हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको किस तरीके से आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है मैन शुड बी प्लेस ऑन दी जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दी जॉब दी जॉब शुड नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द द्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दी मैन जॉब पहले आती है और आदमी बाद में तो इंसान को जॉब के अकॉर्डिंगली आप प्लेस करेंगे जॉब को इंसान के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे ये बात का हम ध्यान रखना है एंड दी प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर दी ज्वाइनिंग डेट ऑफ दी न्यूली सिलेक्शन पर्सन वो जॉब जो है वो प्रॉपरली खाली हो ताकि आप उसको उस पर प्लेस कर सकें दी प्लेसमेंट इन द इनिशियल पीरियड में बी टेम्पररी एसचेंज एंड आर लाइकली टू आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय में बी लेटर ट्रांसफर टू दी जॉब वेयर ही कैन डू बेटर जस्टिस अगर किसी वजह से आपने उसको टेम्प्ररी किसी जगह पर रख दिया है तो कुछ समय बाद ट्रेनिंग के बाद उसको बेहतर पोजिशन पर आप दें या उस पोजिशन पर आप उसको लेकर आएँ जहाँ के लिए वो बेस्ट फिट है इसके अलावा कुछ ओरिएटेशन की डेफिनेशनस हैं जो जॉन बेनार्डन ने और जॉन मैक एवं किक कि ने दी हैं वो ये कहते हैं ओरियंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप आए हुए नए व्यक्ति को अपने संगठन के बारे में जानकारी देते हैं संगठन क्या है कैसा है किस प्रकार से कार्य करता है ताकि वो बाहरी व्यक्ति को आप जानकारी दे सकें आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो उसको समझ सके उसमें कार्य कर सके और उसी तरीके से वो उसकी वर्किंग को देख सके इसके साथ ही हम बताते हैं क्या सोर्सेज हमने लिए हैं इस व्याख्यान को पूरा करने के लिए ब्रिस्को से हमने लिया है किताब है ब्रिस्को की दूसरी कैस्कियो की है गिलमोर विलियम्स की किताब है गोमेज मेजिया की किताब है लेविन एम की किताब है जहाँ से हमने विभिन्न प्रकार के ये टॉपिक्स लिए हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस व्याख्यान में इसी के साथ हम आज का ये व्याख्यान ख़त्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का